अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स 2 कैन 3111 का हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स एर्गॉन्स इक्वेशन के साथ रिलेटेड है। इस न्यूमेरिकल्स में हम बेसिकली जो प्रेशर ड्रॉप है, जब आपके पास कोई फ्लूइड किसी बेड ऑफ सॉलिड्स में से पास करता है, उस वक्त जो प्रेशर ड्रॉप आता है, तो उस प्रेशर ड्रॉप को हम एर्गॉन्स इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, अ पार्शियल ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग एयर विद 1.2 मोल परसेंट हाइड्रोकार्बन थ्रू 40 मिलीमीटर ट्यूब पैक विद 2 मीटर ऑफ 3x3 मिलीमीटर साइलेंड्रिकल कैटलिस्ट पैलेट्स। द एयर एंटर्स एट 350 डिग्री सी and 2 atmospheric pressure with a superficial velocity of 1 meter per second. What is the pressure drop through the packed tubes? How much would the pressure drop be reduced by using 4 millimeter pellets? Assume porosity is equal to 0.4. अच्छा जी, हमारे पास जो है partial oxidation हो रही है basically, और partial oxidation करने के लिए हम कोई एयर पास कर रहे हैं। वो जो एयर है उसके अंदर कोई 1.2 मोल परसेंट कोई हाइड्रोकार्बन भी मौजूद है, हमें नहीं पता वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है। ये जो पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है और ये जो एयर पास कर रही है, ये 40 मिलीमीटर डाया की ट्यूब्स हैं जिनके अंदर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल कैटलिस्ट पैलेट्स भरे हुए हैं। ये जो सिलेंड्रिकल कैटलिस्ट पैलेट्स भरे हुए हैं, ये 3x3 mm, यानी कि उनका जो डायामीटर है वो 3 mm है, और जो इस बेड की जो लेंथ है या बेड की जो हाइट है वो 2 मीटर है। जो एयर है इन ट्यूब्स के अंदर 350 डिग्री सी पर एंटर हो रही है, उस वक्त उसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इस एंटरिंग एयर की जो सुपरफिशियल वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। हमने मालूम ये करना है कि इस प्रोसेस के अंदर कितना प्रेशर ड्रॉप हमारी इन पैक्ड ट्यूब्स में होगा। अच्छा, फिर हमने ये पार्ट वन था, और पार्ट टू हमने ये देखने, अगर हम कैटलिस्ट पैलेट्स का साइज 3 mm से 4 mm चेंज कर दें, यानी कि इन कैटलिस्ट पैलेट्स को हम चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें किसी 4 mm पैलेट से, तो हमने ये बताना है कि अब हमारा प्रेशर ड्रॉप क्या होगा। इस सवाल के लिए हम जो पोरोसिटी है, जो वॉइड फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू हम एप्सिलॉन की 0.40 अज्यूम करेंगे। तो डाटा पहले नोट कर लेते हैं। जो डायमीटर ऑफ कैटलिस्ट पैलेट्स डीपी इज इक्वल टू 3 mm, उसको मैं लिख देता हूं 3 × 10⁻³ - 3 मीटर। जो लेंथ है कैटलिस्ट पैलेट्स बेड की, एल इज इक्वल टू 2 मीटर। बेसिकली ये आप इसको लेंथ कह दें, हाइट कह दें, तो वो आपके पास ये कैटलिस्ट पैलेट्स की बेड की हमारे पास ये मौजूद है। जो सुपरफिशियल वेलोसिटी है वी नॉट बार इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। जो प्रेशर एयर का है वो पी इज इक्वल टू 2 एटमोसफेयर। जो टेम्परेचर एयर का है टी इज इक्वल टू 350 केल्विन, इसको हम 350 डिग्री सी है, इसको केल्विन में लिख लेते हैं 623 केल्विन। जो पोरोसिटी है कैटलिस्ट बेड की, वो एप्सिलॉन जो है वो 0.40 है। हमने मालूम करना है प्रेशर ड्रॉप थ्रू द पैक ट्यूब्स फॉर डीपी इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर, और प्रेशर ड्रॉप टू द पैक ट्यूब्स व्हेन द डीपी ऑफ द कैटलिस्ट इज 4 mm। फिर हमने ये भी मालूम करना है कि जो रिडक्शन हुआ है प्रेशर ड्रॉप में, जब 3 mm से आपने 4 mm को रिप्लेस किया, तो कितनी रिडक्शन इसके अंदर होगी। अच्छा, अब देखिए, हमें पता है कि जो एयर का जो मोलर मैच होता है, आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसको यूज कर चुके हैं, एयर का जो मोलर मैच होता है वो 28.97 या 96 ग्राम्स पर मोल है। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे पास, क्योंकि जो एयर है उसके अंदर कोई छोटी सी 1.2 मोल परसेंट हाइड्रोकार्बन भी मिली हुई है। अच्छा, अब हमें पता नहीं है कौन सी हाइड्रोकार्बन है, इसलिए हम मोलर मास कैलकुलेट कर नहीं सकते। अगर हमें पता होती हाइड्रोकार्बन कौन सी है, तो हम उसकी परसेंटेज के साथ उसको यूज करते हुए उसका मोलर मास कन्वर्ट ले लेते, लेकिन क्योंकि इसके पास हमारे पास पता नहीं है, और जो हाइड्रोकार्बन है वो एयर से हैवियर होंगे, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी है बिल्कुल, तो हम 28.96 ग्राम पर मोल के बजाय हम कह देते हैं कि आपकी जो एयर आ रही है जिसके अंदर 1.2 मोल परसेंट हाइड्रोकार्बन मिली हुई है, उसको हम 30 ग्राम पर मोल हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर गिवन है इस एयर का 350 डिग्री सी, तो इस टेम्परेचर के ऊपर हमें विस्कोसिटी चाहिए, तो विस्कोसिटी के लिए हम वो चार्ट या ग्राफ यूज करेंगे।
जो है आप लोगों को पता है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस का जो चार्ट है, तो उसके अंदर हमारे पास देखिए कि आपके पास एयर हम यूज कर रहे हैं तो 11 एक्स एक्सिस पे 11 है, वाई एक्सिस पे 20 है, तो आपके पास यहाँ पर ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास यहाँ पर 11 की आपने लाइन ड्रॉ कर दी, और ये वाई एक्सिस पे भी हम ये 20 वाली लाइन, ये देखिए यहाँ से ये जो 20 आ रही है ये 20 वाला पॉइंट है, और उसके बाद आपके पास जो टेम्परेचर था वो 350 डिग्री सी है, ये देखिए 350 डिग्री सी है। अब वो टच करते एक्सटेंड किया तो वो यहाँ पे 0.03 इसको मिला, तो इसका मतलब जो विस्कोसिटी ऑफ एयर है वो 0.03 CP है, हमने इसको यहाँ से नोट कर दिया, तो हमने इसको लिख दिया विस्कोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 0.03 CP। अच्छा फिर अब क्योंकि हमारे पास एक चीज सिलेंड्रिकल पैलेट्स हैं, ये सिलेंड्रिकल कैटलिस्ट के पैलेट्स हैं, और ये अगर आपको वैल्यू याद है तो याद रखने की इसको जरूरत नहीं है, हम इसको टेबल से भी इसको नोट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हम जो कैटलिस्ट पैलेट्स हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिसिटी होती है मिशनरीस मटेरियल्स की, तो वो हमारे पास उस टेबल में मौजूद है। तो हम देखते हैं सिलेंड्रिकल्स के अंदर, देखिए स्फीयर्स क्यूब्स शॉर्ट सिलेंडर्स जब उनकी जो लेंथ है अगर वो डायमीटर के बराबर हो तो उनकी जो स्फेरिसिटी है वो 1 के इक्वल है, बिल्कुल इसी तरह अब हमें पता लग गया तो मैं उसको फाई एस को जो है मैं वो 1 ले लूंगा, हमने इसको इस टेबल से वैल्यू निकाल लिया। अच्छा अब इशू ये है कि हमें एर्गॉन्स इक्वेशन थोड़ा याद करें, भी आ भी जाएगी। एर्गॉन्स इक्वेशन के अंदर डेंसिटी आपको चाहिए उस फ्लूइड की, अब डेंसिटी लिखने के लिए हमारे पास जो है डेंसिटी अब एयर की हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डेंसिटी एयर की कैलकुलेट करने के बाद के लिए हमें आइडियल गैस कांस्टेंट भी चाहिए क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो देखते हैं, पहले आइडियल गैस कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। आइडियल गैस कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम वही आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसके मतलब ये है कि आर इज इक्वल टू पीवी ओवर एनटी, हमने इसमें से इसको रीअरेंज कर लिया। अच्छा अब जो है ये नोट कीजिएगा, एक होता है एसटीपी, एसटीपी कहती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है कि 0 डिग्री आपके पास सी या 32 डिग्री F और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो एट एसटीपी आपके पास जो 1 किलोग्राम मोल होता है वो 22.4 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है, यानी कि अगर आपके पास 1 मोल है उसका इतना वॉल्यूम होगा, तो 1 pound mole जो है वो इक्वल होता है 359 क्यूबिक फिट के, 1 gram mole इक्वल होता है 22.4 लीटर के। तो हम इसको यूज करते हुए हम यहाँ पर कोई चीज के अंदर यूज कर सकते हैं ताकि अपनी कन्वर्जन को देखते हुए कि किस तरीके से हम उसको डील करें, तो यहाँ पे हम केजी मोल वाली कन्वर्जन यूज कर रहे हैं कि 1 kilogram mole इज इक्वल टू 22, तो आपने क्या किया बेसिकली प्रेशर 180 m, जो वॉल्यूम है वो 22.4 क्यूबिक मीटर, n जो है 1 kilogram mole, आप ये नहीं कह सकते 1 kilogram mole ले लें और 359 ले लें, नहीं वो 1 pound mole इज इक्वल टू 359 क्यूबिक मीटर होगा, क्यूबिक फिट होगा। तो उसके बाद जो टेम्परेचर है वो आपके पास यहाँ पर एसटीपी है, तो 0 डिग्री सी के अंदर 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा, इसको जब कंप्यूट किया तो आपके आर की वैल्यू आ गई 0.08205 एटीएम इनटू क्यूबिक मीटर ओवर केजी मोल इनटू केल्विन। अच्छा अब हम आर निकालने के बाद सिंपली आइडियल गैस लॉ लगाएंगे और आइडियल गैस लॉ की मदद से हम डेंसिटी ऑफ एयर कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमें पता है आइडियल गैस लॉ, तो पीवी इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ मोल्स एन होता है वो मास ओवर मोलर मास है, तो एम ओवर एम, और अगर आप इसको रीअरेंज कर लें तो पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वी आर टी, डेंसिटी है जो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और एम ओवर वी को आप रो लिख सकते हैं पी एम इज इक्वल टू रो आर टी या रो इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, रो इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। अच्छा अब पी जो है प्रेशर, इसके अंदर 2 एटमॉस्फेयर मोलर मास हमारे पास एयर का हमने निकाला था 30 grams per mole, आर अभी आपने निकाली है 0.08205 एटीएम इनटू क्यूबिक मीटर पर केजी मोल इनटू केल्विन, टी जो था आपके पास, अब टी है इसमें आपने जो यूज करना है वो जो टी आपको दिया हुआ था तो वो आपको पता है 350 डिग्री सी, उसमें 273 ऐड किया तो 3623 केल्विन आपने ऐड किया हुआ है। अब इसको जरा कन्वर्ट वगैरह कर लेते हैं, तो बेसिकली हमारे पास जब मोल होता है इसका मतलब आपके पास ग्राम मोल होता है, तो खाली मोल हो या ग्राम मोल हो दोनों एक ही चीज है, तो जैसे आपके पास 1 kg 1000 grams के बराबर है तो इसी तरह आपके पास 1 kg mole इज इक्वल टू 1000 gram mole या खाली 1000 mole, तो 1 kg mole इज इक्वल टू 1000 mole, तो मोल मोल से कट गया, kg mole से कट गया, केल्विन केल्विन से कट गया, एटीएम एटीएम से कट गया,
और इसी तरह ग्राम को भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, ग्राम ग्राम से कट गया, तो ये 1000 इस 1000 से कट गया। अब आपने इन सारी चीज़ों को जब कंप्यूट किया तो डेंसिटी आपके पास एयर की आ गई 1.174 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। हमारे पास अब जितनी वैल्यूज हम चाहते थे वो सारी आ गई हैं। अब हम सिर्फ एल्गोंस इक्वेशन लगाएंगे। सबसे पहले हम एल्गोंस इक्वेशन लगाएंगे जब आपके पास कैटलिस्ट पैलेट्स का जो डायमीटर है वो 3 mm। तो हमारे पास जो एल्गोंस इक्वेशन होती है वो होती है कि डेल्टा पी ओवर एल इज इक्वल टू 150 म्यू वी नॉट ओवर 5 square s ओवर डी स्क्वेयर पी जो डी पी स्क्वेयर है इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वेयर ओवर एप्सिलॉन क्यूब प्लस 1.75 रो वी नॉट स्क्वेयर जो है उसके अलावा 5s इंटू डी पी 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन क्यूब। अब हम ये सारी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे इसमें। डेल्टा पी ओवर एल 150, म्यू की वैल्यू 0.03 सीपी, वी नॉट 1 meters per second, 5 square s, अब भी 5s हमने 1 निकाला था 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, dp आपके पास 3 है तो 3 mm था तो 3 × 10^-3 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 1 माइनस एप्सिलॉन हमने पॉइंट जो था अच्छा एप्सिलॉन या 1 - 0.4 का स्क्वायर, एप्सिलॉन क्यूब 0.4 का क्यूब। अब कन्वर्जन शुरू कर लेते हैं तो 1 cp इज इक्वल टू 0.01 ग्राम और सेंटीमीटर सेकेंड, cp से कट गया और उसके बाद हमें पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो ये ग्राम आपका ग्राम से कट गया। फिर हमारे पास जो है साथ में हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 meter, तो आपके पास ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कट गया और ये मीटर आपके पास इस मीटर से कट गया। दूसरा हमें पता है कि जो 1 newton होता है वो इक्वल होता है 1 kg into m/s², तो आपका ये किलोग्राम इस किलोग्राम से कट गया। और जो है हमारे पास साथ में जो है बाकी चीज़ें हमारे पास उसके अंदर थी, एक s ये था हमारे पास, एक s ये था तो ये इस s स्क्वायर से कट गया 1 - 0.4 का स्क्वायर और 0.4 का क्यूब। इसी तरह जो 0.75 वाली दूसरी टर्म थी तो हमारे पास जो है रो, ये यानी कि ये आपके पास यहाँ पर ये रो 1.75 रो 1.174 वी नॉट स्क्वायर था 1 meter square ओवर 5s इंटू डी पी 3 × 10^-3 meter 1 माइनस जो है एप्सिलॉन ओवर जो है एप्सिलॉन का क्यूब। तो अब आप इसको जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको हम कर सकते हैं इजीली, तो आपके पास यहाँ पर जो है 1 newton होता है 1 kg m/s², सेकंड स्क्वायर से कट गया, किलोग्राम आपका किलोग्राम से कट गया, तो ये 1 meter ये था 1 meter ये था, ये इस मीटर स्क्वेयर से कट गया। तो आपके पास अब जब इसको जब आपने हल किया तो डेल्टा पी ओवर एल इज इक्वल टू 2812.5 newton per cubic meter और प्लस 6420.3125 newtons per cubic meter। तो अब आपने इसको एल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा पी इज इक्वल टू एल इंटू 9232.812 newtons per cubic meter। और जब आप इसको कर रहे हैं तो एल आपके पास जो लेंथ थी एल थी वो 2 meters हमारे पास गिवन है, शुरू में हमें स्टेटमेंट में लिखी थी L2 इज इक्वल 2 meter, तो वो जब हमने इसको की तो आपने पुट किया तो आपके पास ये मीटर और हमें पता है कि 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 bar के बराबर है, तो न्यूटन से कट गया, 1 meter square ये इससे कट गया, तो आपके पास ये बार के अंदर जो डेल्टा पी की वैल्यू आ गई 0.1847 bar, यानी कि ये वो प्रेशर होगा प्रेशर ड्रॉप, ये वो वाला प्रेशर ड्रॉप होगा जब कैटलिस्ट पैलेट्स का जो डायमीटर है वो 3 mm। यही काम अब हमने जो कैटलिस्ट पैलेट्स आपके 4 mm डायमीटर के हैं उसके ऊपर भी हम एल्गोंस इक्वेशन इसी तरह अप्लाई करके हम डेल्टा पी ओवर एल की मदद से और फिर डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट कर लेंगे 4 mm पार्टिकल्स के लिए। जो 4 mm है उसका मतलब 4 × 10^-3 मीटर है। तो अब आपने ये जो एल्गोंस इक्वेशन लिख ली उसके बाद इसी तरह सब वैल्यूज सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर ये आ गया फर्क कि अब आपके पास यहाँ पे जो डी पी है वो 4 mm है तो 4 × 10^-3 का होल स्क्वायर मीटर क्यूब है, इसलिए यहाँ पे भी जो डी पी है वो 4 × हमारे पास 10^-3 मीटर है। अब आपके पास जब कटिंग के बाद जो आपकी वैल्यू आई डेल्टा पी ओवर एल इज इक्वल टू 1582.0312 newtons per cubic meter प्लस 4815.2344 newtons per cubic meter और अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये एल इस तरफ चला गया तो एल इनको एड अप कर लिया तो 6397.2656 newtons per cubic meter, एल की वैल्यू 2 meters per 2 meters है, तो आपने इसी तरह 10^5 newtons per meter square = 1 bar newton से कट गया, एक
दो और एक ये तीन, इससे कट गया तो आपके पास जो डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप आया वो 0.1279। ये कैटलिस्ट पैलेट्स के लिए जब आपके पास डीपी 4mm है। अब जरा गौर कीजिए, जैसे जैसे कैटलिस्ट पैलेट का साइज बढ़ रहा है, पहले आपके पास 3mm के लिए 1.1847 था और अब आपके जब 4mm हुआ अब आपका जो साइज था वो 0.1279 हुआ है। जो प्रेशर ड्रॉप है इसका मतलब प्रेशर ड्रॉप रिड्यूस हुआ है आपके पास कैटलिस्ट पैलेट्स का जो वो साइज है उसको चेंज करने से। अच्छा, अब वो कितनी रिडक्शन हुई है, तो रिडक्शन जो है वो प्रेशर ड्रॉप की, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम चेंज मालूम करना चाह रहे हैं। ये अभी अगले सवाल में बात आएगी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जब आप चेंज मालूम करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि आप में दो वैल्यूज हैं और आप चेंज मालूम करना चाह रहे होते हैं, तो चेंज मालूम करने के लिए आप क्या कहते हैं, आपके पास कोई असली वैल्यू होगी या कोई इनिशियल वैल्यू होगी माइनस जो चेंज वैल्यू होगी, डिवाइड करते हैं इनिशियल वैल्यू से, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये है परसेंटेज चेंज मालूम करने का तरीका। लेकिन अगर आपने परसेंटेज डिफरेंस मालूम करनी होती है, अगले सवाल में भी आएगी, हम मरीज को देखेंगे उस टाइम, तो परसेंटेज डिफरेंस मालूम करने के लिए जो दो वैल्यूज हैं जिनके दरमियान आप परसेंटेज डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं उनका डिफरेंस ले लें, उनके डिफरेंस को आप उनकी एवरेज से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास वो परसेंटेज डिफरेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये परसेंटेज चेंज चाहिए थी, ये दोनों जो वैल्यूज हैं आपकी परसेंटेज में क्या चेंज आई है। तो आपने जब परसेंटेज चेंज निकाली तो आपको पता चला कि आपके पास 3mm से 4mm कैटलिस्ट पैलेट्स चेंज करने से आपकी जो रिडक्शन हुई है प्रेशर ड्रॉप के अंदर वो 30.75% हुई है। सो दिस वॉज जो है आवर न्यूमेरिकल नंबर 3। बिल्कुल आप लोगों ने जैसे नोट किया कि इस तरह के जो सवालात हैं, एल्गोन्स इक्वेशन है, इसमें जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स हैं, पॉसिबली इक्वेशन आपको याद ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, इक्वेशन जब आप कर लेते हैं उसके बाद फिर भी स्टूडेंट्स जो है उसके अंदर जो आपने यूनिट्स कंसिस्टेंट करने हैं तो आपको नीट एंड क्लीन इसमें स्टेप में करना पड़ेगा कि आप उसको लिख कर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आप लिखें उसको, ताकि आपकी गलती का चांस इसमें ना रहे। तो स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें जो गलती होती है वो ये कि आप इसको उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल है कि आपको वो चीज़ें याद ना रहें, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ चलाएं। हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको मिड सेमेस्टर एग्जाम में भी इसीलिए जो न्यूमेरिकल दिया था मैंने आपको कहा था डाटा टेबल आप यूज़ करें, तो मैं जो भी प्रॉब्लम होता है मैं इसीलिए आप मैं डाटा टेबल साथ उसके अंदर इंसर्ट भी करता हूँ, साथ हाईलाइट भी करता हूँ, ताकि आपको वो डाटा टेबल जो है वो बुक से लिए गए होते हैं तो आप उनको यूज़ करना हमें आए। तो आप प्रोफेशनल लाइफ होगी जब वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह आपको जो इश्यूज आते हैं तो वो आपको जो है एक्सटेंसिवली कोई डाटा यूज़ करना पड़ता है। इफ़ यू हैव नो डाटा आप फिर उसका कुछ एज्यूम करेंगे या उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे। ऑब्वियसली जब आप एग्जाम्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ हम आपसे पूछी जाएगी तो उसमें वो आपके पास जो डाटा होगा वो डाटा हम उसको इजीली उसको हम यूज़ कर सकते हैं और उसी की वजह से हम उसके साथ में सवालों को हल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। इसी तरह हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 4 है ये थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है, उसको देखना है और इंशाल्लाह जो है अगर प्रॉब्लम्स होंगी, अगर आपको कुछ दुश्वारी होगी तो आप इसको लाइव सेशन में या मुझे व्हाट्सएप या ईमेल पर रब्ता करके इसको क्लियर कर सकते हैं। जी प्रॉब्लम 4 है, द प्रेशर ड्रॉप फॉर एयर फ्लो थ्रू अ कॉलम फिल्ड विद 1 inch सिरामिक रैशिंग रिंग्स इज 0.01 inches ऑफ वाटर पर फुट व्हेन मास वेलोसिटी इज इक्वल टू 80 pounds पर फीट स्क्वायर पर आवर एंड 0.9 inches ऑफ वाटर पर फुट व्हेन मास वेलोसिटी इज इक्वल टू 800 pounds पर फीट स्क्वायर पर आवर ऑल फॉर अ मास वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग काउंटर करंटली ऑफ 645 pounds पर फीट स्क्वायर पर आवर। Since the change in pressure drop with liquid rate is slight in the range of liquid mass velocity is between 645 and 800 pounds per feet square per hour, ignore the liquid holdup and estimate the void fraction if the rings have a wall thickness of 1 by 8 inch. Use this void fraction and the ergon equation to predict the pressure drop and discuss the difference between predicted and experimental values. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास एक कॉलम है, उस कॉलम के अंदर 1 inch सिरामिक रैशिंग रिंग्स, तो रैशिंग रिंग्स बेसिकली हमारे पास जो ये एब्जॉर्प्शन होती है, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर आप मास ट्रांसफर के अंदर जो है इसमें आप शायद पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, तो
एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे पास जो कॉन्टैक्ट होता है उसको बढ़ाने के लिए, तो हम एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ाने के लिए, तो आप एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट प्लस कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ाने के लिए हम कोई पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के पैकिंग मटेरियल होते हैं, जिसमें आपके पास रैशिंग रिंग्स हैं, बल्ब शेडल्स हैं, ग्लास बीड्स हैं, बड़ी कॉमन कॉमन किस्म की ये चीज़ें हैं। तो हमारे पास ये 1 inch डायमीटर सिरामिक के बने हुए रैशिंग रिंग्स हैं, तो ये आपके उस कॉलम के अंदर फिल हुए हुए हैं और जो है उसमें से एयर जो है वो फ्लो कर रही है। और जब एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमिन किया गया, एक्सपेरिमेंटल की डिटरमिन किया गया कि जब आपकी एयर की मास वेलोसिटी 80 पाउंड्स पर फिट के पर आवर थी, उस वक्त जो प्रेशर ड्रॉप था वो 0.01 inches ऑफ वाटर पर फुट था। तो जो इंचज ऑफ वाटर है, शायद हमने पहले किसी न्यूमेरिकल में इसको यूज नहीं किया हुआ, ये भी एक प्रेशर का जो है एक टर्म है। जब आपके पास खासतौर पर प्रेशर की वैल्यूज काफी कम हो तो आप उस वक्त इसको यूज करते हैं। तो इंचज ऑफ वाटर मिसाल के तौर पर लेट्स से कि 33.91 फिट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 14.7 psi या 18 एटमॉस्फेयर। तो ये भी एक कन्वर्जन यूनिट है जिसको आगे इस्तेमाल करेंगे। तो स्पेशली ये उस वक्त यूज किया जाता है कि जब आपके पास जो प्रेशर है वो बहुत थोड़ी वैल्यू हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप बार वगैरह में 0.00 की इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट यू यूज दिस काइंड ऑफ यूनिट। तो इसी तरह जब जो आपकी एयर की मास वेलोसिटी 800 पाउंड, यानी कि अब आपने उसको 10 टाइम्स उसको इंक्रीज कर दिया, तो 800 पाउंड्स पर फिट के पर आवर थी, तो उस वक्त ये डिटरमिन किया गया कि अब आपका जो प्रेशर ड्रॉप है वो 0.9 इंचेस ऑफ वाटर पर फुट है। अच्छा, इस दौरान हो क्या रहा था कि आपके पास ये कॉलम था, उस कॉलम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये बेसिकली जो रैशिंग रिंग्स वगैरह हैं ये खासतौर पर एब्जॉर्प्शन वगैरह ये यूज कर रहे हैं, तो एयर कहीं नीचे से कॉलम के पास कर रही थी, और जैसे एयर नीचे से कॉलम पास कर रही थी, टॉप से उस कॉलम के काउंटर करंट अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से एयर पास कर रही है, ऊपर से आपके पास जो है वहां पर जो लिक्विड कोई आ रहा था, तो लिक्विड जो काउंटर करंटली आ रहा था, तो उसकी जो मास वेलोसिटी थी वो 645 पाउंड पर फिट स्क्वायर पर आवर थी। अच्छा, अब हमारे पास जो बेसिकली जो प्रेशर ड्रॉप आता है, यानी कि जो लिक्विड के फ्लो, लिक्विड के अंदर कोई अगर प्रेशर ड्रॉप आ रहा है, तो वो बेसिकली आपके पास जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया कि 645 से लेकर जब वाटर का जो फ्लो रेट था वो 800 पाउंड्स पर फिट के बराबर था, वो बहुत थोड़ा सा कोई चेंज थी उसके प्रेशर ड्रॉप के अंदर, इस वजह से हम इग्नोर कर देंगे उस प्रेशर ड्रॉप को, हम कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, अब हमने ये जो है हमने एस्टिमेट करना है कि हमारे पास अगर रैशिंग रिंग्स जो हैं आपके पास, ये जो सिरामिक की बनी हुई रैशिंग रिंग्स हैं जिनकी अगर उनकी 1 by 8 inch wall thickness हो तो हमने अंदाजा लगाना है कि हमारी void fraction रिंग्स की क्या होगी। फिर हमने इस void fraction को यूज करने और हमने जो है प्रिडिक्ट करनी है वैल्यूज, यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालनी है, एक्सपेरिमेंट नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू हमने प्रिडिक्ट करनी है प्रेशर ड्रॉप के एर्गॉन इक्वेशन की मदद से, और फिर इस एर्गॉन इक्वेशन की जो वैल्यूज हैं इनको कंपेयर करना है, जो अब आपकी ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज आएंगी जो न्यूमेरिकली आप कैलकुलेट करेंगे, इन वैल्यूज को आप कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद आप जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगी उनके साथ आप इनको कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। सिंपल है, आपके पास दो एयर की मास वेलोसिटीज गिवन है और इन मास वेलोसिटीज पर आपको उसके ऑलरेडी उस कॉलम के प्रेशर ड्रॉप गिवन है, तो आपने अब क्या करना है, बेसिकली आपने जो है एप्सिलॉन पोरोसिटी चाहिए, क्योंकि आपको एप्सिलॉन को पोरोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो पोरोसिटी की वैल्यू आपने पहले एस्टिमेट करनी है उस वक्त जब आपके पास जो सिरामिक रिंग्स हैं वो 1 by 8 inch उनकी आउट जो उनकी जो है वो वॉल थिकनेस हो अगर उनकी, और उस वक्त आप इसको नोट करेंगे, और साथ में आपने जब इसको कर लिया तो करने के बाद आप जब इसको निकाल लेंगे, हमारे पास 1 by 8 inch को वॉल थिकनेस को आप निकाल लेंगे, तो इसके निकालने के बाद आपने फिर एर्गॉन इक्वेशन को लगाना है और फिर आपने न्यूमेरिकली आपने उसकी वैल्यू निकालनी है प्रेशर ड्रॉप की, और फिर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, जो थ्योरेटिकल जो वैल्यूज आएंगी, इन थ्योरेटिकल वैल्यूज को जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दो गिवन है कि 80 पाउंड पर फिट्स के बराबर पर जो है वो आपके पास 0.01 inches ऑफ वाटर है और जो आपके पास 800
पाउंड्स पर फिट्स के ऊपर आवर के ऊपर वो जो वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू जो है 0.9 इंचेस ऑफ वाटर है। तो इन दो वैल्यूज को फिर आपने उस थ्योरेटिकल वैल्यू से जो आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे उनसे आपने कंपेयर करना है। तो सवाल में जो डाटा है हमारे पास, 1 इंच सिरामिक रैशिंग रिंग्स के लिए जो मास वेलोसिटी एयर की थी, जब आपके पास ये मास वेलोसिटी एम नॉट जो आपके पास है ये 80 पाउंड्स पर फिट के पर आवर थी, तो जो प्रेशर ड्रॉप था डेल्टा पी ओवर एल वो 0.01 इंचेस ऑफ वाटर पर फिट। हम इसको खाली डेल्टा पी यू नहीं लिया क्योंकि आपको सवाल की स्टेटमेंट में इंचेस ऑफ वाटर पर फिट में दिया हुआ है, इसलिए हमने डेल्टा पी ओवर एल। दूसरा हमें लेंथ नहीं पता कि आपका वो जो उसकी टावर की क्या लेंथ है या वो आपके पास जो रैशिंग रिंग्स हैं वो कितनी उसकी क्या हाइट क्या लेंथ नहीं पता। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई हुई है। तो इसी तरह हमारे पास एक और मास वेलोसिटी है इससे 10 टाइम्स ज्यादा 800 पाउंड्स पर फिट स्क्वायर पर आवर, और इस वेलोसिटी के ऊपर भी हम जो प्रेशर ड्रॉप एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया वो 0.9 इंचेस ऑफ वाटर पर फिट था। फिर जो रैशिंग रिंग्स का डायमीटर है डीपी इज इक्वल टू 1 इंच, हमने मास वेलोसिटी मालूम करनी है जो उस अच्छा हमने अभी वेट कीजिए, जो हमारे पास वो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है काउंटर करंटली उस कॉलम के अंदर उसकी मास वेलोसिटी 645 पाउंड्स पर फिट के ऊपर आवर। डाटा में लिख दिया लेकिन सवाल में कहीं यूज नहीं करेगा क्योंकि वो बता देता है कि एक्सपेरिमेंटली जब आपने किया तो उसकी कोई इतना फर्क नहीं पड़ा था, हमने उसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ मैंने यहाँ लिख दिया लेकिन हम इसको कोई न्यूमेरिकल में यूज नहीं करेंगे। अच्छा अब जब आपके पास 1 इंच सिरामिक रैशिंग रिंग्स जिनकी 1/8 इंच वॉल थिकनेस होगी, तो आपने मालूम करना है कि वॉइड फ्रैक्शन यानी कि पोरोसिटी क्या होगी एप्सिलॉन, फिर आपने एल्गोंस इक्वेशन लगाकर आपने डेल्टा पी ओवर एल प्रिडिक्ट करना है, थ्योरेटिकली आपने कैलकुलेट करना है, और इस प्रिडिक्शन के बाद आपके पास जो मास वेलोसिटी होगी एयर की वो दो वैल्यूज के लिए 80 पाउंड्स पर फिट के बराबर और 800 पाउंड्स पर फिट के बराबर, और उसके बाद आपने जो है डिस्कस करना है कि भाई ये भी बताना है कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, कम है ज्यादा है, क्या वजूहत हो सकती हैं एक्सपेरिमेंटल या जो एक्सपेरिमेंटल और जो प्रिडिक्टेड या थ्योरेटिकल जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान में क्या फर्क आ सकता है। अच्छा जी, तो हमारे पास बेसिकली हम टेबल यूज करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डम्प्ड टावर पैकिंग्स, हमारे पास टेबल है मैं अभी आपको दिखाता हूं, तो उस टेबल को यूज करके हम जो है वॉइड फ्रैक्शन यानी कि पोरोसिटी 1 इंच सिरामिक रैशिंग रिंग्स की उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये वो टेबल है मकेब की किताब से लिया गया है ये टेबल, तो हमारे पास देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के टाइप है रैशिंग रिंग्स, पॉल रिंग्स, बेल सैडल्स, इंटरलॉक सैडल्स, सुपर इंटरलॉक्स, IMTP, हाई पाक, जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ये मौजूद हैं। तो जो रैशिंग रिंग्स हैं आपके पास सिरामिक की बनी हुई, तो उनका आपको जो साइज दिया हुआ है 1/2 इंच, 1/2 इंच, तो 1 इंच के लिए हमारे पास जो पोरोसिटी है वो 0.74 है, हम चुप करके ये वैल्यू यूज कर लेंगे, दैट्स इट, हमने इसको एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.74 नोट कर लिया। फिर जो स्फेरिसिटी है, अब स्फेरिसिटी इसको है जो स्फेरिसिटी है 1 इंच रैशिंग रिंग्स की जब उनकी 1/8 इंच वॉल थिकनेस हो, तो इसको हम जो है स्फेरिसिटी ऑफ मिसलेनियस मटेरियल्स के टेबल से नोट करेंगे। ये देखिए हमारे पास रैशिंग रिंग्स जब उसका जो लेंथ जो उसकी वो डीपी के बराबर हो, तो आपके पास वो 0.33 हमने नोट किया। अब सवाल यह आएगा कि आपने 0.58 क्यों नहीं ली, 0.33 क्यों ली है, तो वो 0.33 इसलिए ली है कि जरा उसको हम देखते हैं 0.33 हमने क्यों ली है, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा रफ करके दिखाया हुआ है। हमारा जो रैशिंग रिंग्स का डीपी है वो 1 इंच है, और डीपी जो होती है वो डीओ के बराबर होती है, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए एल इज इक्वल टू डीओ, और आपके पास ये देखिए कि यहाँ पे एल इज इक्वल टू डीपी, तो आपके पास जो L है वो DP के बराबर है और L जो है वो DO के बराबर है, तो आपके पास ये हमें मालूम है, तो DP इज इक्वल टू DO, और जो DI है वो 0.75 DO है, यानी कि जो इनर डाय है। अब जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास जो वॉल थिकनेस थी वो 1/8 इंच है, तो 1/8 इंच का मतलब है कि 0.125, तो आप जो वॉल थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली आप ये उसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं, 2 times रेडियस उसका ले लें तो आपके पास वॉल थिकनेस का डायमीटर आ जाएगा 0.25, 1 इंच में से अगर आप 0.25 निकाल दें तो आपके पास 0.75 आ जाते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो इनर डाया है
यहाँ पे मैंने 0.75 लिख दिया, 0.25 लिख दिया, बट इट शुड बी 0.75। इसको मैं सही कर देता हूँ। ये जो इनर डाई है आपके पास, वो आपके पास बेसिकली वो जो है वो पॉइंट, क्योंकि आपने वॉल थिकनेस 0.25 निकाल दी, तो जो इनर डाया होगा वो 0.75 होगा, जो आउटर डाया होगा वो 1 इंच होगा। अच्छा, अब हम जब उसको निकालते हैं, इनको जब करते हैं, तो 1 में से 0.25 ये जो आपने निकाला है डायमीटर को, तो आपके पास यहाँ पे 0.75 डी ओ माइनस जो डी आई का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये जो ये डी ओ डी है ये 0.25 इसको होना चाहिए। तो इस वजह से हमने जो डी आई इज इक्वल टू 0.75 डी ओ, तो हमने उसके लिए जो वैल्यू ली है 1/8 इंच के लिए, अगर ये आपके पास 1/4 इंच 1/2 इंच होती तो हम उस जो है सॉरी 1/4 इंच होती तो हम उसके लिए 0.58 लेते, लेकिन क्योंकि ये 1/8 इंच है, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये 0.75 होना चाहिए था। 1 माइनस जो हमारे पास डी ओ है वो 1 इंच है, जो डी आई है वो 0.75 इंच है, बाकी ठीक है, ये 0.25 हो जाएगा बाकी। तो इस सारी चीज को हमारे पास, इसलिए हमने जो फाइव एस है वो 0.33 हमने लिया, तो फाइव एस की वैल्यू हमने 0.33 लिख दी। उसके बाद देखिए कि हमारे पास जो एयर है उसका टेम्परेचर गिवन नहीं है, कोई एयर का टेम्परेचर हमें पता नहीं है, क्यों? हमें एयर की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, हमें एयर का टेम्परेचर नहीं गिवन। अच्छा, अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप ना एयर के लिए, क्योंकि हम जब आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं उसके अंदर तो हम एसटीपी यूज करते हैं, एसटीपी आपको पता है जो है वो 0 डिग्री जो है आपके पास डिग्री सी या 32 डिग्री एफ और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये स्टैंडर्ड। लेकिन स्टैंडर्ड डिफरेंट जो साइंटिफिक इदारे हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं, तो एसटीपी की जो वैल्यू है वो आप देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आपके पास कोई इस तरह का जो प्रोसेस हो रहा हो, आप 0 डिग्री पर जो सी पर जो है आप वो एयर को फ्लो करा रहे हैं। क्यों फ्लो नहीं करा रहे होंगे? क्योंकि आपके पास जो वाटर आ रहा है वो कोई जो लिक्विड भी आ रहा था, तो इस तरह की सब टेम्परेचर सब कूल टेम्परेचर के ऊपर वो यूज नहीं किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एस टी पी के बजाय कोई और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हम कंसिडर कर लेते हैं। तो बेसिकली हम जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बजाय एस टी पी के बजाय हम आई एस ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमोसफेयर, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड मौजूद है, इसकी वैल्यूज को यूज कर लेंगे। तो आपके पास जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमोसफेयर जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सी होता है और प्रेशर उसका 1 एटमोसफेयर होता है। तो आपके पास जो 15 डिग्री सी का मतलब ये है कि ये आपके पास जो है तकरीबन लगभग 59 डिग्री एफ होगा, और अगर हम इसको एफ इज इक्वल टू 1.8 C + 32 करें तो आपके पास एफ 59 आएगा। इसको मैं रफली 60 डिग्री एफ कह सकता हूँ। मतलब कहने का ये है, अब हमारे पास 60 डिग्री एफ पर मुझे विस्कोसिटी चार्ट से कोई विस्कोसिटी देखनी वैल्यू देखनी चाहिए, तो मैं उसको जब विस्कोसिटी चार्ट से इसको विस्कोसिटी देखूंगा, तो एयर के लिए हमें पता है कि x 11 है, y 20 है, तो आपने यहाँ से जो है इसको x 11 y 20 ये पॉइंट आ गया, और आपने इसको 60 डिग्री जो है f पर ये देखिए ये 60 डिग्री f पर आपके पास जो विस्कोसिटी आई वो 0.018 CPI। हमने ये विस्कोसिटी की जो वैल्यू है हमने इस वैल्यू को नोट कर लिया और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा जी, अब विस्कोसिटी भी आ गई हमारे पास, अब हमने डेंसिटी ऑफ एयर कैलकुलेट करनी है। प्रेशर आप 1 एटमॉस्फेयर ही है, टेम्परेचर आपने 60 डिग्री एफ इसका निकाल लिया है। सबसे पहले आपने आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आइडियल गैस कांस्टेंट निकालने के लिए फिर आप आइडियल गैस लॉ पी वी इज इक्वल टू NRT, तो वहाँ से R इज इक्वल टू पी वी ओवर NT। तो इसके अंदर आप ये R क्योंकि जनरल आप वैल्यू निकाल रहे हैं, इसमें आप जब लगाएंगे तो आप 0 डिग्री सी और 1 ATM ऐड करेंगे, जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 3 में किया था। तो अब हम यहाँ पर अपनी सहूलत के लिए हम खुद से इसका इस तरह का यूनिट बना लेते हैं कि आपने जो है P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, V 359, जैसे 1 pound mole इज इक्वल 359 क्यूबिक फीट, N इज इक्वल टू 1 pound mole और T 492 R।
तो बेसिकली टी आपके पास जो है वो जब 32 डिग्री एफ है तो 32 डिग्री एफ में 460 ऐड कर देंगे तो 492 आर हो जाएगा। तो आपने जब इनको कंप्यूट किया तो आर इज इक्वल टू 0.72968 एटमॉस्फेयर इंटू क्यूबिक फीट ओवर पाउंड मोल इंटू आर। इसके अंदर अब आपने डेंसिटी ऑफ एयर को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फिर दोबारा आइडियल गैस लॉ पी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स एन की जगह पे आप मास ओवर मोलर मास, जैसे एन मास ओवर मोलर मास, और इसको अगर रीअरेंज कर लें तो पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वी आर टी, और हमें पता है डेंसिटी जो होते हैं वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है, तो पी एम इज इक्वल टू रो इंटू आर टी, या रो की जो वैल्यू होगी वो पी एम ओवर आर टी होगी। तो इस हमें पता है कि जो एयर है उसका जो मोलर मास होता है वो 28.97, पिछले प्रॉब्लम मैंने 28.96 लिख दिया था, तो डजेंट मैटर आप 28.96 लिख लें 97 लिख दें डजेंट मैटर, ये हमारे पास ग्राम्स पर मोल है। तो इसको वैल्यू को यूज करते हुए हम डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो पी आपको प्रेशर जो एयर का है वो 1 एटमॉस्फेयर आपने लिया था, एम 28.97 ग्राम्स पर मोल, आर अभी आपने जो लिखी है 0.72968 एटीएम क्यूबिक फीट पर मोल टू आर। टेम्परेचर जो है हमारे पास वो इसके अंदर जो हमारे पास डेंसिटी के लिए अच्छा इसमें थोड़ा सा ये नोट कीजिएगा, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पर, इस प्रॉब्लम में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक ये थी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर आपने लिखा था 492, यहाँ पे 492 नहीं आना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए था। तो बेसिकली यहाँ पर जो टेम्परेचर आता वो 492 ना आता, बल्कि ये थोड़ी मिस्टेक है, मैं जब इसकी फाइल आपको अपलोड करूँगा उसमें सही कर दूंगा कि ये यहाँ पर आपने जो टेम्परेचर लगाना था, क्योंकि ये टेम्परेचर आपने अब वहाँ पर जो वो लगाना है यहाँ पर डेंसिटी निकालने के लिए जो आपने टेम्परेचर लिया है, अब वो डेंसिटी आप ले रहे हैं बेसिकली 60 डिग्री एफ पर, तो 60 डिग्री एफ पर जब आप डेंसिटी लेंगे तो ये आपकी जो डेंसिटी है ये 32 डिग्री एफ पर है। तो 60 डिग्री एफ के ऊपर आप क्या करेंगे 60 प्लस 460, तो आपके पास यहाँ पर 520 आ जाएगा। तो जब आपके फ़र्क इसमें ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगी 28.97 मल्टीप्लाई बाय 454 डिवाइडेड बाय 0.72968 इनटू 520 मल्टीप्लाई बाय 454 आपके पास आ जाएगा 28.97 डिवाइडेड बाय 0.72968 मल्टीप्लाई बाय 520, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 0.07635 आ जाएगी। तो ये यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, इसको मिस्टेक को मैं सही करके आपको अपलोड फाइल करूँगा, ये मिस्टेक है। तो मैंने वैसे आपको यहाँ पे लिखी थी ये वैल्यू, मैंने यहाँ पे ये लिखी थी कि 0.63। नॉर्मली जो ISA ये कहती है कि एट 15 डिग्री सी और 1 ATM जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो आपके पास 0.0765 आएगी, तो ये हमारे पास ISA हमें वैसे ये कहती है। जी स्टूडेंट्स, तो हम डेंसिटी जो कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक थी, उसको मैंने करेक्ट कर ली है। तो वो मिस्टेक हमारे पास तो डेंसिटी हमने मालूम करनी थी एयर की एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 60 डिग्री फॉरेनहाइट। तो 60 डिग्री फॉरेनहाइट को जब आपने रैंकिन में कन्वर्ट करना है देन यू मस्ट ऐड 460 टू मेक इट एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उसके बाद जब हमने इसको किया तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ द एयर आ गई वो 0.0764 पाउंड्स पर क्यूबिक फिट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं वो नॉर्मली जब वो पाउंड मोल्स की कटिंग करते हैं तो उसमें गलती हो जाती है। तो जैसे आपके पास 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स या 1 pound इज इक्वल टू 454 ग्राम्स, बिल्कुल इसी तरह 1 pound मोल इज इक्वल टू 454 ग्राम मोल्स या 454 मोल्स। तो आपके पास जो डेंसिटी आ गई एयर की 0.0764 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट। अच्छा ISA जो है वो ये कहते हैं कि आपके पास 15 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर पर ऑन सी लेवल जो डेंसिटी ऑफ एयर होती है वो 0.0765 लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं है, हमने वही कैलकुलेट किया। अच्छा अब हमने बेसिकली हमने जो चीज़ें मालूम करनी थी हम कर चुके हैं। हमारे पास मास वेलोसिटी एयर की गिवन है,
हमने इस मैच वेलोसिटी को अब सुपरफिशियल, इस मैच वेलोसिटी से सुपरफिशियल वेलोसिटी निकाली है। घबराइए मत, जिससे आपको पता है कि जो मैच होता है हमारे पास जो है मैच फ्लो रेट जो है आपके पास एम इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इन टू डेंसिटी। इसी तरह जो मैच वेलोसिटी है वो भी इसी तरह है कि मैच वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इन टू डेंसिटी। तो हम इसी चीज को यूज करेंगे। तो आपके पास जब हमारे पास मैच वेलोसिटी 80 पाउंड्स पर फिट्स के बराबर है तो मैच वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। तो एम नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इनटू एल। तो हमारे पास ये जो है सुपरफिशियल वेलोसिटी रीअरेंज करके एम ओ ओवर रो, और हमने इसको जब किया तो आपके पास यहाँ पर सारी वैल्यूज हमने पुट की। तो यहाँ पे सुपरफिशियल मैच वेलोसिटी पुट कर दी, डेंसिटी पुट कर दी, आवर को कन्वर्ट करें 3600 में आवर आवर से कट गया, ये फिट्स के पावर से कट गया, पाउंड पाउंड से कट गया। तो आपके पास वी नॉट आ गई 0.291 फिट पर सेकेंड। इसी तरह 800 पाउंड्स पर फिट्स के पावर में भी जब आप ये निकाल लें तो इसके लिए आप इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दें या एक दफ़ा दोबारा जैसे मैंने निकाला है तो वो निकाल दें, दोनों हालतों में सही होगा। तो हमने वी नॉट एट 800 पाउंड पर फिट्स के पर आवर 2.91 फिट पर सेकेंड आ गया। अब हम तमाम चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट कर चुकी हैं। अब हमने जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इसमें से कि एर्गॉन्स इक्वेशन लगाकर हमने जो थियोरेटिकल वैल्यूज हैं, ये जो प्रिडिक्शन है वो करनी है प्रेशर ड्रॉप डेल्टा पी ओवर एल निकालने के लिए। तो अब हमारे पास देखिए इस तमाम की वैल्यू सेम होंगी, सिर्फ फर्क क्या आएगा कि जब 80 पाउंड्स पर फिट के बराबर है तो आपके पास वी नॉट 0.291 फिट पर सेकंड होगा, और जब 800 पाउंड्स पर फिट के बराबर होगा तो ये 2.91 होगा, बाकी वैल्यूज सेम ही यूज होंगी। तो एर्गॉन इक्वेशन होती है डेल्टा पी ओवर एल इज इक्वल टू 150 म्यू वी नॉट ओवर 5 स्क्वायर एस डी पी स्क्वायर इनटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन क्यूब प्लस 1.75 रो वी नॉट स्क्वायर ओवर 5 एस इनटू डी पी 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन क्यूब। तो हमने अब ये सारी वैल्यूज पुट की, म्यू की जगह 0.018 सी पी, वी नॉट 0.291 फिट पर सेकेंड, 5 एस जो है 0.33 का स्क्वायर, डी पी 1 इंच का स्क्वायर, 1 माइनस 0.74 का स्क्वायर 0.74 का क्यूब। अब कन्वर्जन करेंगे तो सी पी इज इक्वल टू 1 ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी पी से कट गया, और 454 ग्राम 1 पाउंड मैस, तो ग्राम ग्राम से कट गया हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद 1 फिट इज इक्वल 30.48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, और ये फिट इस फिट से कट गया। हमें पता है कि 12 इंच इज इक्वल टू 1 फिट, 1 फिट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर, ए इंच स्क्वायर जो है हमारे पास इस इंच स्क्वायर से कट गया, और जो है हमने उसको फिट को भी हमने एक मिनट काट लेते हैं। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। हमें पता है 32.174 फिट पाउंड मास और पाउंड फुट सेकंड, जी सब चीजें डिवाइड कर दिया तो आपका ये पाउंड मास इस पाउंड मास से कट गया, और उसके बाद हमारे पास ये जो सेकंड स्क्वायर था एक ये इससे और इससे कट गया। फिर 1 PSI इज इक्वल टू 1 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, तो बेसिकली आपके पास ये जो पाउंड फोर्स है इस पाउंड फोर्स से कट गया। अच्छा, फिर इसी तरह 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंच और 1 फिट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंच स्क्वायर, इंच स्क्वायर इंच स्क्वायर से कट गया, ये फिट स्क्वायर फिट स्क्वायर से कट गया, और आपके पास जो है 33.91 फीट ऑफ वाटर 14.7 PSI के बराबर है, ये PSI इस PSI से कट गया। तो 1 फिट ऑफ वाटर, जिस तरह आपके पास 1 फिट 12 इंच के बराबर होता है या 1 kg आपके पास 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो इसी तरह 1 फिट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 12 इंच ऑफ वाटर। तो हमने इसको फिट को फिट से काट दिया, तो बाकी आपके पास अब इंचेस ऑफ वाटर बटा फिट रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने जो ये वाली टर्म है इस टर्म के अंदर भी ये सारी वैल्यूज इंसर्ट कर देना। इसमें फर्क सिर्फ यहाँ पे था कि आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन के स्केयर सिंपल एप्सिलॉन है, फाइव एस डी पी है, यहाँ पे रो और वी नॉट स्केयर आ जाएगा। तो जब आपने ये सारी वैल्यूज इंसर्ट की, यूनिट्स काटे, तो आपके पास 0.0695 ऑफ वाटर पर फिट प्लस 0.0016 ऑफ वाटर पर फिट, इन दोनों को ऐड अप किया डेल्टा पी ओवर एल आपके पास 0.0711 इंचेस ऑफ वाटर पर फिट। ये अब आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू या प्रिडिक्टेड वैल्यू है। अब जरा याद कीजिएगा, हमारी जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई थी वो 0.01 आई थी। तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा फर्क है उसके साथ थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में। अब इसी तरह हम जब मैच वेलोसिटी 800 पाउंड्स पर फिट्स के बराबर या वी नॉट 2.91 है तो उसके लिए ये बाकी तमाम चीज़ें सेम होंगी। तो हमने दोबारा इसी तरह एर्गॉन्स इक्वेशन को पुट करके
हमने जब इसको पुट किया तो आपके पास इसी तरह जो वैल्यूज डालने के बाद डेल्टा पी ओवर एल इज इक्वल टू 0.6952 इंच ऑफ वाटर पर फिट और प्लस 0.1578 इंच ऑफ वाटर पर फिट, इनको एडअप किया तो आपके पास 0.853 इंच ऑफ वाटर पर फिट आपके पास आ गई वैल्यू। अच्छा, अब हमने एक छोटा सा मैंने चार्ट बना लिया, चार्ट में देखिए कि जब 80 पाउंड्स पर फिट के बराबर मैच वेलोसिटी थी आपकी एयर की तो उस टाइम आपके पास सुपरफिशियल वेलोसिटी थी पॉइंट, हाँ ये थोड़ी सी इसमें है इसको सही कर लीजिएगा कि ये 0.29 है और ये 2.91 है, बाकी ठीक है। और इसी तरह जो डेल्टा पी ओवर एल है वो 0.01 था और यहाँ पे 0.9 वो था और अब डेल्टा पी ओवर एल 0.071 0.853 है। तो हमने जो परसेंटेज डिफरेंस है, तो ये मैं कह रहा था जो परसेंटेज चेंज होती है वो आपके पास इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल मेडल 100, लेकिन जो परसेंटेज डिफरेंस होता है तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनकी एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास 80 पाउंड्स पर फिट के पर आवर के वक्त जो परसेंटेज डिफरेंस है वो 150.68% है, जबकि आपके पास 800 के वक्त वो 5.36% है, कंसिडरेबली बहुत लेस है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लो मैच वेलोसिटीज हैं उस वक्त जो है बड़ा कंसिडरेबल डिफरेंस है एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्टेड वैल्यू में, लेकिन ये डिफरेंस जब आपकी वेलोसिटी मैच वेलोसिटी बढ़ के 800 पाउंड्स पर फिट के ऊपर आवर पर पहुंच जाती है तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये बेसिकली जब ये डिफरेंस आया क्यों है, होता क्या है कि जो पैकिंग के अंदर आपने जब डाला है तो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी रैशिंग रिंग्स बिल्कुल सीधी खड़ी हों, बल्कि कुछ परपेंडिकुलर होंगी, कुछ हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी तो इसका मतलब रुकावट कर रही है फ्लो में, तो उसकी वजह से आपके पास ये प्रेशर ड्रॉप आ रहा है। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात में क्या होता है कि हमारे पास जो एक रिंग के ऊपर एक रिंग आ गई इस तरीके से कि उसकी इंटरनल जो स्पेस है उसको वो ब्लॉक किया हुआ है उसने, उसकी वजह से भी आपके पास प्रेशर ड्रॉप आ जाता है। तो दर हकीकत में इस सवाल के अंदर ये जो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं आप कह सकते हैं कि हमारी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं ऑलमोस्ट सेम है, तो आप इनको जो है ऑलमोस्ट करीब करीब सही है, करीब है, तो आप इसको आप ले सकते हैं। वजूहात मैंने बता दी है, समझ भी आती है कि जब एयर वेलोसिटी जो है वो कम थी तो कम होने की वजह से उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसके ऊपर प्रेशर ड्रॉप का जो असर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उनकी रैशन रिंग्स की मिसअलाइनमेंट या उनकी जो हैपहैज़र्ड जो उनकी अरेंजमेंट है उसकी वजह से भी आपको जो थ्योरेटिकल जो वैल्यूज के करीब करीब ही आपको वो रिजल्ट आएगा। सो दिस वॉज ओवर लेक्चर नंबर 10। प्लीज वॉच दिस वीडियो, दिस वीडियो एंड लेक्चर नोट्स आर अवेलेबल ऑन LMS एंड OCW.KFUEIT.EDU.PK यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर मौजूद है। जब आप बेटा लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करें, एटलीस्ट आपने ये वीडियो देखी हो, एक दफ़ा प्रॉब्लम्स को देखा हो, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन हैं इस हवाले से वो आप पूछ सकें और हम जो है ना उसकी कोई एक्टिव उसके अंदर पार्टिसिपेशन करके कोई अच्छा सा रिजल्ट उसमें ले सकें। अगर आपके कोई सवाल हैं यू आर ऑलवेज मोर देन वेलकम टू राइट मी आइदर ऑन माई व्हाट्सएप, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर दीजिए। प्रेफरेबली अगर आपने ऑडियो मैसेज, मैं बार बार ये बात करता हूँ लेकिन फिर भी बच्चे मुझे पिक्चर्स भेज देते हैं इस तरह की चीज़ें, तो आप मैं यही कहूँगा कि आपके पास इस तरह का कोई डाटा भेजना होता है पिक्चर्स ऑडियो वगैरह, तो आप कोशिश कीजिए कि मुझे जो है ना ईमेल करें। लेकिन उसके अलावा अगर आपका टेक्स्ट मैसेज है व्हाट्सएप पे तो वो आप उसको टेक्स्ट मैसेज करके आप भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारी जो है जो क्लास होती है वो हर ट्यूसडे को और हर फ्राइडे को होती है। इंशाल्लाह अब आपसे लाइव सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।